स्पॉन्सर्ड बाय द गुरुकुलम रेसिडेंशियल स्कूल, एडमिशन ओपन, दिल्ली पब्लिक स्कूल टाटेगंज, एडमिशन ओपन। अब 2 रुपए सस्ता डीजल, ग्रीन इंडिया बायो डीजल, जोरकट फैशन मॉल, 1500 तक का कोई भी जींस मात्र 600 में, सिंह मार्बल एंड सैनिटेशन। मोमबत्ती हो या दिया, इससे वायरस नहीं मरता, ना ही दिया से किसी बीमारी का इलाज होता है। इस साधारण सी बात को जानने समझने के लिए ना तो कोचिंग जाने की जरूरत है, ना ही किसी बुद्धिजीवी का कोई मोहताज है। मगर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी समेत सोशल मीडिया पर धुन के ये ज्ञान सुबह से फालतू के पड़े पड़े लोग लॉकडाउन का सही इस्तेमाल करने के बजाय जमकर ज्ञान बांट रहे हैं। पैसा तो लगना नहीं है और पूरी संभावना ही नहीं, धूम मचाने जैसा इतरा इतरा कर अगले 2 दिन तक वे इस मोर्चे पर टिके रहकर ज्ञान बांटेंगे और कॉपी पेस्ट को हथियार बनाकर बघारते रहेंगे। उन्हें विश्वास है कि ऐसा करने से कोरोना का बढ़ता संक्रमण रुक जाएगा, मने कि जो दिए नहीं जलाएंगे उन्हें कोरोना छू भी नहीं पाएगा। मगर मैं आज खबरों से इतर यह कहने आपके सामने आया हूं कि मोमबत्ती का तो गारंटी नहीं, लेकिन मैं तो दिया जलाऊंगा। अब आप सोच रहे होंगे कि क्यों जिद किए बैठा हूं, तो सुनिए, मेरा मानना है कि जो भी संदेश चाइना वायरस से लड़ने के जन युद्ध को प्रेरित करेगा, उस संदेश को हर किसी को स्वीकार करना चाहिए। यह वक्त है एकजुट, एक रूप, एक रंग रहने का। और इस समय देश में मोदी को छोड़ कोई एक अकेला शख्सियत नहीं जो देश के अधिसंख्य लोगों को एकजुट रखने का मादा रखता हो। नरेंद्र मोदी की राजनीतिक आलोचना उनके कार्यशैली पर निर्भर है, बावजूद फिलहाल में उनके आह्वान की महत्ता बढ़ जाती है, क्योंकि उनका व्यक्तित्व, उनका संदेश, उनकी पद्धति सर्वाधिक लोगों को प्रेरित करने की क्षमता रखती है। जब तक यह वैश्विक महामारी का संकट टल नहीं जाता, हर भारतीय को एकजुट होकर रहना चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग, घर में बंदी, गर्म पानी का सेवन, हाथ का साबुन से बार बार धोना, मास्क, ग्लव्स, सैनिटाइजर का इस्तेमाल जैसे कारगर कदम का पालन करना चाहिए। ये एहसास नितांत आवश्यक है कि पूरा देश मिशन मोड पर है। उद्देश्य कोरोना वायरस के फैलाव का चैन को तोड़ना है। फिर ताली, थाली, शंख, घंटी की तरह पलामू झारखंड समेत समूचे देश में 5 अप्रैल को रात 9 बजे महज 9 मिनट तक दिवाली की तरह देश जगमगाएगा। उस प्रकाश पुंज से एक उम्मीद की रोशनी निकलेगी कि हम सब उस अभियान के हिस्सा हैं जिससे हमारा राष्ट्र बचेगा। ये प्रेरणा ही पीएम का संदेश है, आह्वान है, अपील है, जिसका पालन कर हम माँ भारती का कर्ज कम कर पाएंगे। कैपिटल न्यूज आपसे अपील करती है, हम जगेंगे, हम निभेंगे, तभी हम बचेंगे।